क्या आप ये जानते थे अपना ही पैसा एटीएम से निकालना आपके लिए भारी पड़ सकता है? अब आप सोच रहे होंगे कैसे। 10 जून 2021 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस तब्दीली को मुतालिया किया कि तमाम बैंकों को एटीएम ट्रांजैक्शंस के लिए लगाए जाने वाले सर्विस चार्जेस में इजाफा करने की इजाज़त दी जाएगी। मुफ्त ट्रांजैक्शंस के अलावा हर सार्फिन को 20 रुपए हर ट्रांजैक्शंस पर वसूल किए जा रहे थे, लेकिन अब इसमें तब्दीली की गई है। ये इजाफा 1 जनवरी 2022 से लागू किया गया है। आरबीआई की नई गाइडलाइंस के तहत हर शख्स हर महीने में 5 मरतबा मुफ्त ट्रांजैक्शन कर सकता है और छठी रकम निकालने के वक्त जीएसटी के साथ इजाफी रकम लागू की जाएगी। नई सर्विस चार्जेस के मुताबिक 21 रुपए के साथ साथ जीएसटी भी होगा। एटीएम के इस्तेमाल की फीस में आखिरी तब्दीली 2012 में की गई थी और सार्फिन की जानिब से कबल अदायगी चार्जेस अगस्त 2014 में की गई थी। ट्रांजैक्शंस के दो किस्में हैं, ऑनस और ऑफस। ऑनस ट्रांजैक्शंस किसे कहते हैं? जब आपके पास किसी मखसूस बैंक का कार्ड हो और उसी बैंक का एटीएम आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी के लिए अगर हम जेएनके बैंक की बात करें, 8 ऑनस ट्रांजैक्शंस आपको हर महीने में मुफ्त मिल रही है। अब आते हैं ऑफिस ट्रांजैक्शंस की ओर। ऑफिस ट्रांजैक्शंस ये हैं जब आपके पास एक मखसूस बैंक का कार्ड हो लेकिन एटीएम आप किसी और बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑफिस ट्रांजैक्शंस के ज़रिए आपको 5 ट्रांजैक्शंस मुफ्त मिल रही। अब आरबीआई की इस नोटिफिकेशन के बाद तब्दीली आना लाजमी है। आप भी नज़रें बनाए रखें किस ट्रांजैक्शन पे आपसे चार्जेस वसूल किए जाएंगे। एक तो 21 रुपए प्लस जीएसटी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप बने रहे कश्मीर लाइफ के साथ।